मॉर्निंग एवरीवन, और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम। तो आज बना रही हूँ मैं मॉर्निंग में सुबह सुबह समोसे, तो वही मेरा बहुत मन कर रहा था खाने का, तो मैंने बना लिए हैं। तो मैंने रेड चटनी, ग्रीन चटनी और आलू की जो पनीर वाली सब्जी होती है वो भी साथ में बना ली है। तो मैं तो जा रही हूँ भाई समोसे इंजॉय करने के लिए, आप लोग भी आ जाइए अगर आप लोगों के मुँह में पानी आया हो तो। और यहाँ पर मैंने बच्चों के लिए जो है एप्पल कट कर दिया है। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नहाने के बाद। तो बस यहाँ पर मैं आ गई हूँ, और आते ही मैंने नहाने के बाद जस्ट अपने कपड़े लगा दिए हैं सभी के वॉशिंग मशीन में। आफ्टरनून गाइस, तो सुबह सुबह मैंने अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिया था। तो सुबह सुबह बनाई थी मैंने समोसे खाने में, और अभी धुल रहे हैं मेरे कपड़े, तो मैं नहाकर आ चुकी हूँ। और आज नाश्ता थोड़ा सा हैवी हो गया था, और मम्मी बना रही हैं अभी रोटी, तब तक मैं जाऊँगी किचन में सब्ज़ी बनाने के लिए। तो पहले लगा दिए थे मैंने कपड़े वॉशिंग मशीन में, क्योंकि कपड़े मैं लगा देती हूँ धुलने के लिए और मेरे हाथ में आते हैं तो मैं लगा देती हूँ। वैसे तो मम्मी लगाती है, पर अभी मैं लगा देती हूँ क्योंकि मम्मी है ना अभी जो है रोटियाँ बनाती हैं, तो सब्ज़ी मैं बनाऊँगी अभी। और आज मेरे हस्बैंड के लिए मुझे लगाना है टिफ़िन, क्योंकि नाश्ता हो गया था हैवी, तो अभी लगा दूँगी मैं उनके लिए टिफ़िन सब्ज़ी बनाने के बाद। तो चलो पहले कपड़ों को डाल देती हूँ, फिर उसके बाद आपसे मिलती हूँ। यहाँ पर गाइस मैंने जो है दाल बनाई हुई थी और चावल बनाए हुए थे, रोटी मम्मी ने बनाई थी। तो दाल में आपको पनीर जैसा दिखाई दे रहा होगा, तो दाल में मैंने थोड़ा सा पनीर डाल दिया था, क्योंकि मैं अभी ज़्यादातर पनीर ही खा रही हूँ इसलिए। तो बस मिलती हूँ खाना खाने के बाद। तो गाइस पूरा काम हो चुका है, मतलब खाना भी खा लिया है, और अभी जाऊँगी मैं सोने के लिए, क्योंकि थोड़ा सा खाना वाना खाने के बाद नींद सी आने लगती है। तो सभी काम हो चुका है फ्री, तो मैंने कहा चलो फिर चलते हैं सोने के लिए। और गाइस प्लीज़ अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो ना तो कर लेना, मैं आपके लिए अच्छे से वीडियो लेकर आती रहती हूँ। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे सोने के लिए। तो यहाँ पर आ गई हूँ गाइस मैं सोकर जगने के बाद, और मैं बना रही हूँ यहाँ पे वेज मंचूरियन, क्योंकि मेरे हस्बैंड आ चुके हैं ड्यूटी से। तो मैंने यहाँ पे पत्ता गोभी को कद्दूकस कर लिया था, उसमें नमक डाल के रख दिया है, और यहाँ पे मैं प्याज को भी लपड़ी लपड़ी थोड़ा थोड़ा चॉप कर लूँगी, और इसका जो भी एक्स्ट्रा जो मॉइस्चराइज था पानी वगैरह नमक डाल के रख दिया था तो वो मैंने निकाल दिया है, और ये एकदम ड्राई है तो आप लोग देख सकते हो। अब मैं इसमें डाल रही हूँ रेड चिली, तो मैंने इसमें रेड चिली डाल दी है, नमक इसमें ऑलरेडी पहले से मैंने डाला हुआ था। और अभी डालूंगी मैं इसमें जो कॉर्न फ्लोर होता है ना, मक्के का आटा, तो बस मैंने वो डाल दिया है। तो अब मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दूंगी। तो मैंने आप देख सकते हो कि ये थोड़ा सा ड्राई लगने लगा आपको, मैंने इसको है ना स्पून की हेल्प से जो है मिक्स कर दिया है। अब मैं इसके गोल गोल बॉल बनाऊँगी, तो हमको इसको है ना हाथ से भी कर लेना है बाद में मिक्स। तो बस मैं बना रही हूँ इसके गोल गोल बॉल, तो आप लोग देख सकते हो कि मैं किस आकार के बना रही हूँ। तो वेज मंचूरियन भाई सभी को पसंद होगा, और मैं तो बहुत बड़ी लवर हूँ, तो बस आपको इस टाइप से सारे बॉल बना लेना है जैसे कि मैंने सारे ही बॉल बना लिए हैं। यहाँ पे आपको एक प्याज चाहिए बड़ा वाला, और हरी मिर्ची है, धनिया है, और शिमला मिर्च है, और अदरक है, और लहसुन है, और ये सारे बॉल्स हैं। तो अब यहाँ पे मैंने ऑयल गरम कर लिया है, अब मैं इस सभी में डालूंगी ये सारे बॉल जो कि मैंने पत्ता गोभी से बनाए हुए हैं, तो इनको मैं सभी को कर लूंगी फ्राई। तो मैंने यहाँ सभी को डाल दिया है एक साथ, तो आप जितने भी डाल सकते हो उतने डाल सकते हो, ज़्यादा बना रहे हो तो दो बार में सेक सकते हो, बट मैं इतने ही बना रही हूँ, मेरी फैमिली छोटी है। तो बस ये हो चुके हैं ब्राउन, मैं इनको निकाल दूंगी, और इनको थोड़ा सा ब्राउन होने तक सेकना है। और यहाँ मैंने एक कटोरी में पानी ले लिया है, इसमें मैं 2 चम्मच के लगभग कॉर्नफ्लोर और ऐड कर लूँगी, तो कॉर्नफ्लोर थोड़ी सी इससे क्या है थिकनेस आ जाती है उसमें ग्रेवी। तो बस मैं इसको स्पून की हेल्प से जो है मिक्स कर दूंगी। तो बस मैंने इसको मिक्स कर दिया है, अब साइड में मैं एक और गैस पर चढ़ा दूंगी पैन। तो मैंने यहाँ पर पैन में डाल दूंगी ऑयल, तो मैंने सरसों का ऑयल यूज़ किया है, आप जो भी ऑयल यूज़ करना चाहते हो कर सकते हो, आपको जो खाने में आता हो, और मेरे यहाँ यही खाया जाता है तो मैंने यही ऐड किया है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ लहसुन, तो लहसुन थोड़ा सा ज़्यादा डालना है, और मैंने थोड़ा सा बड़ा बड़ा चॉप कर लिया था। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक, तो इन सभी चीज़ों को थोड़ा सा मैं भून लूँगी, उसके बाद मैं डाल दूँगी प्याज। तो प्याज मेरी इतनी बारीक इसलिए है क्योंकि मैंने इसको है ना चॉपर में चॉप किया हुआ था,
तो बस मैं इसको भी थोड़ा सा भून लूँगी। तो ये मेरी जो है भुन चुकी है, अब मैं इसमें शिमला मिर्ची भी ऐड कर दूँगी। तो मैंने यहाँ पर शिमला मिर्ची भी ऐड कर दी है और मैंने यहाँ पर एक शिमला मिर्च ली हुई थी, तो इसको भी मैं अच्छे से भून लूँगी। तो मैंने भी इसको जो है इसका कलर चेंज हो चुका है, आप लोग देख सकते हो। तो अब मैंने इसमें डाला है 2 चम्मच टमाटो केचप। तो टमाटो केचप डालने के बाद मैं इसमें डालूंगी, इसको थोड़ा सा चला दूंगी, फिर चलाने के बाद मैं इसमें डालूंगी रेड चिली सॉस। तो आपने अकॉर्डिंग ऐड कर लेना है, आप तीखा खाते हो जैसा भी खाते हो, बट मैं थोड़ा तीखा खाती हूँ तो मैं थोड़ा ज़्यादा ऐड कर लेती हूँ। तो और इसमें डाल दिया है मैंने सोया सॉस, तो सोया सॉस भी मेरा 1 बड़े चम्मच से ज़्यादा ही था, तो मैंने वो ऐड कर लिया है। मैं इन सभी को अच्छे से मिक्स कर लूँगी और इन सभी चीज़ों को हम अच्छे से पकाएंगे जब तक ये हमारा थोड़ा सा ऑयल छोड़ने लगेंगे। फिर मैंने जो पानी रखा हुआ था कॉर्नफ्लोर डाल के, मैंने उसको इसमें ऐड कर दिया है और मैं इसको थोड़ा सा चला दूँगी और मैं थोड़ा सा पानी इसमें और डाल दूँगी। तो आप ग्रेवी वाला खाना पसंद करते हो या आप ड्राई वाला करते हो, जैसा भी करते हो आप डाल सकते हो, बट मैं थोड़ा सा ग्रेवी वाला ज़्यादा पसंद करती हूँ, तो मैं ग्रेवी के अकॉर्डिंग बना रही हूँ। तो मैं इसमें बॉयल आ चुका है और मैंने इसमें थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर जो है ऐड कर दिया है। अब मैं इन सभी चीज़ों को जो है अच्छे से मिक्स करते चलाती जाऊँगी बीच बीच में। तो इसमें मैंने डाल दिया है नमक, नमक ध्यान से डालना क्योंकि गोभी में भी डला हुआ था। और मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ी सी चीनी क्योंकि ये खट्टा मीठा होता है। अगर आपके पास अजीनोमोटो है तो आप अजीनोमोटो डालें, बट मेरे पास नहीं है तो मैंने शुगर ऐड कर दी। और मैं इन सभी चीज़ों को अच्छे से चला दूँगी। तो आप लोग देख सकते हो कि वेज मंचूरियन का कलर कितना अच्छा आ चुका है। और मैं इसमें बॉल डाल दूँगी। तो और गैस का फ्लेम जो है आपको बंद कर देना है क्योंकि ये बॉल जो है हमारे टाइट हो जाएंगे, इसलिए इनको थोड़ा सा सॉफ्ट रहने के लिए गैस का फ्लेम बंद कर देना और इनको अच्छे से मिक्स कर देना और थोड़ी देर आप इनको चलाना। अब मैं इसमें थोड़ा सा डाल दूँगी धनिया, तो मैंने धनिया डाल दिया है और आप लोग देख सकते हो कि मेरा कितना अच्छा डिलीशियस बन के रेडी हुआ है वेज मंचूरियन। तो गैस फटाफट मेरे मुँह में तो आ रहा है पानी, तो मैं जा रही हूँ खाने के लिए और आप लोग भी आ जाइए खाने के लिए। तो भाई मिलती हूँ मैं आपसे खाने के बाद, और बहुत यमी बना हुआ है। और यहाँ पर गैस मम्मी ने ये सारी सब्जियाँ जो है फल धोकर रख दिए थे क्योंकि मैं बना रही थी वेज मंचूरियन। मैं आपसे है ना बहुत देर बाद बात कर रही हूँ, तो सबसे पहले आप बताना कि मैं आपको कैसी लग रही हूँ और मैंने ये न्यू कपड़े कहाँ पहन लिए हैं, भाई मैं कहाँ जा रही हूँ या मेरे घर शांति जी आ गई हैं इसलिए पहन लिए हैं। तो थोड़ा सा सस्पेंस है, मैं उसको दूर कर देती हूँ। तो सबसे पहले तो मैं जो है इंस्टाग्राम पर कुछ रील्स वगैरह बना रही थी, तो उसके लिए मैंने ये मेकअप सेकअप किया हुआ था। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को ये वाला मेरा जो टॉप है और ये वाली मैंने जींस पहन रखी है इसके साथ, तो आप लोग बताना कि आप लोगों को कैसा लगा मेरा मेकअप। और मैं आपको बता देती हूँ कि गाँव की शांति जी आज से 7th मंथ पहले मेरे घर आई थी। तो घर यानी यूट्यूब पर हम अपने चैनल को अपना घर बोलते हैं, तो यूट्यूब पर वो मेरे घर आई थी यानी कि मेरे चैनल पर आई हुई थी और उन्होंने मुझे कमेंट किया था मेरी रेसिपी को लेकर। तो आप लोग देख सकते हो नाइस रेसिपी करके उन्होंने एक कमेंट किया था। और सेकंड कमेंट उस दिन मुझे उन्होंने एक नहीं दो कमेंट किए थे। एक कमेंट उन्होंने मुझे ये भी किया था कि ये वाला फूल मेरे मायके में है, तो मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि शांति जी ने मेरा वीडियो फुल वॉच किया था, उनको कैसे पता कि ये वाला फूल। तो मुझे बहुत खुशी हुई कि शांति जी मेरे घर आई, तो आई एम रियली वेरी हैप्पी, मुझे बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ जानकर। तो प्लीज़ गाइस अगर आप लोगों ने मेरा ये वीडियो फुल वॉच किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बिना मत जाना, मुझे आप सभी के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और गाइस हम एक फ़ोन से कई लोगों को सब्सक्राइब कर सकते हैं, तो फिर कर लीजिए ना यार, आप लोग इतनी कंजूसी क्यों करते हो सब्सक्राइब करने में। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, आप सभी लोगों ने मुझे भर भर के इतना सारा प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू सो मच। और गांव की शांति जी भाई बहुत अच्छे अच्छे वीडियो बनाती हैं, मुझे उनके वीडियो बहुत पसंद आते हैं। कुछ लोग मेरे से बाद में पूछे गांव की शांति जी कौन है, तो आप लोग टाइप कीजिए गांव की शांति और आप उनके चैनल पर पहुंच जाइए, उनके चैनल बहुत अच्छे होते हैं, उनकी वीडियोज़ बहुत अच्छी होते हैं। तो गाइस आप लोग बताना कि मैं आपको रेडी होकर कैसी लगी। और मैंने ये वाला टॉप पहली बार फर्स्ट टाइम न्यू पहना हुआ है, मैंने आज तक इसको पहना ही नहीं है क्योंकि मैं नए कपड़े ला के रख के भूल जाती हूँ कि मुझे इन्हें पहनना भी है, क्योंकि आजकल है ना बाहर कहीं नहीं जा रहे ना इसलिए। और मैं तो अभी नए कपड़े पहनकर बाहर बिल्कुल भी नहीं निकल सकती क्योंकि मुझे कोरोना हुआ था, तो भाई मुझे बहुत डर लगता है कोरोना से कि भाई दोबारा नहीं हो जाए।
तो अब तो मैं बाहर नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी इम्यूनिटी पावर पहले से कम है, क्योंकि मुझे कोरोना हो चुका है, तो मैं तो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा सकती। बस मैं अपना घर में ही इंटरटेनमेंट कुछ इस तरीके से तैयार होकर रील्स वगैरह बना के करती रहती हूँ। गांव की शांति जी है ना, उन्होंने है ना यूट्यूब पर बहुत कम समय में बहुत अच्छा उन्होंने अपना सक्सेस पा ली है। मुझे बहुत खुशी हुई उनको देखकर, और उनको देखकर मुझे ये लगता है कि भाई देखो मतलब वो एक गांव से हैं और कितनी जल्दी वो यूट्यूब पर, मतलब जो यूट्यूब पर उनके साथ थे ना वो उनसे है ना फुर करके आगे निकल गई हैं, तो मुझे इस बात की बेहद खुशी हुई। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और गाइस आप मेरे ब्लॉग देखना, मैं बहुत अच्छी ब्लॉगिंग करती हूँ, तो आप मेरे ब्लॉग ज़रूर देखना और मेरे ब्लॉग को और मेरे इस वीडियो को लाइक करें ना तो बिल्कुल भी मत जाना। तो चलो फिर मिलती हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक फॉर वॉचिंग, लव यू टू ऑल।